सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, उसका हम विरोध कर रहे हैं जो कल राज्यसभा में पास हो गया। तो इसलिए सब आसामी स्टूडेंट्स और सब एसएफआई सब मिलके हम ये इसका अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कहते हैं वहाँ की स्थिति जो है आसाम में इतनी? वहाँ आसाम में बिल्कुल बुरा हाल है, सब तरफ आर्मी पर्सनल्स आ चुके हैं, लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है घर से, कई लोग तो प्रोटेस्ट में जा चुके हैं और कई लोग अभी भी जेल में हैं, किसको भर्ती कर दिया, किसको शूट कर दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा आसाम में, हम आसाम को ऐसा होने नहीं देंगे। वहाँ पे इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया, हम घर पे फ़ोन नहीं कर पा रहे, वीडियो कॉल कुछ भी नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम था इसलिए भी फ़ोन नहीं कर पा रहे हैं, हम लोगों को कितना चिंता हो रहा है घर का। कल हम जब पास हुआ था बिल, हम रो रहे थे वहाँ पीजी में, बिल पास हो गया जो आसाम एकॉर्ड है हम लोग का, उसको वायलेट कर दिया गया है इस मोदी सरकार ने। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इधर आई यू ओनली टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि आई एम फ्रॉम असम, आई एम फ्रॉम गुवाहाटी, एंड मम्मी से बात नहीं हो रहा है कल से अच्छे से, क्योंकि मम्मा इज डैम स्केयर्ड, मम्मा ने बोला लॉक करके रहना पड़ रहा है क्योंकि हर जगह कर्फ्यू है, मैंने कभी भी मम्मी को इतना वीक नहीं देखा है, बट आफ्टर दिस थिंग आई एम रियली डिस्टर्ब, दैट्स व्हाई आई केम आउट, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, ठीक है, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ओनली बिकॉज आई हैव सीन माय मॉम क्राइंग, मॉम सो टेरिफाइड, इसलिए मैं इधर आई हूँ टू फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, टू फाइट फॉर डेमोक्रेसी, टू फाइट फॉर ह्यूमैनिटी, दैट्स इट। जॉय आया हो कहने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कश्मीर के लिए भी तो यही कहा था कि सब कुछ ठीक है, आज 150 दिन के करीब हो रहा है कश्मीर बंद हुए और उन्होंने यही बोला था कि कश्मीर में सब ठीक है, अब वो बोल रहा है असम में सब ठीक है, कल वो दिल्ली बंद कर देंगे और कहेंगे दिल्ली में सब ठीक है। कहने से और रियलिटी बहुत बहुत डिफरेंस है, वहाँ एक एक स्टूडेंट की आज डेथ हो गई है, उसको लेडी कॉन्स्टेबल ने गोली मार दी है, तो हम क्या बोल सकते हैं उस बारे में, वो क्या बोल रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जब वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या चल रहा है, रियलिटी देखेंगे तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट, दैट्स वाई आई सेड कि इंडिया जर्मनी हो रहा है और हम ये होने नहीं देंगे, बिकॉज दिस इज़ आर कंट्री। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, मैं मिरांडा हाउस हॉस्टल की एक फर्स्ट ईयर की छात्र हूँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पढ़ती हूँ। बेसिकली ये जो कैब वैब में हो रहा है ये सब सिर्फ और सिर्फ ये प्रदर्शन है कि जो बीजेपी सरकार है उनका जो शुरू से जब से ये बीजेपी सरकार बनी है तब से उनका ये जो मोटो है हिंदुत्व, ये कहीं ना कहीं अभी तक के इलेक्शंस में इन लोगों ने आगे नहीं लाया, क्योंकि इनको वोट बैंक की राजनीति करनी होती है, पर अब क्योंकि ये इतना स्ट्रांगली अपनी सरकार इतनी गठबंधन में पहली बार इतने टाइम बाद कांग्रेस के बाद अब ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में अब आए हैं, तो अब इन लोगों ने अपना वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना शुरू करा है, जैसे कैब में, जैसे कश्मीर में आप देख पाएंगे, कैब में देख पाएंगे, इंडिया कम्प्लीटली, भले ही पाकिस्तान और इंडिया का डिवीज़न रिलीजियस बेसिस पे हुआ था, मगर पाकिस्तान एक रिलीजियस कंट्री थी और इंडिया चोज टू बी अ सेक्युलर कंट्री, तो हमारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर जो हमारे प्रियम्बल का है, सेक्युलरिज्म, जो प्रियम्बल से लेके हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इंडिविजुअल लिबर्टी, इंडिविजुअल राइट्स, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स, रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पीपल, ये चीज़ इन्फ्रिंज होती हुई दिख रही है कैब में भी, और आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा आसाम जल रहा है आज के डेट में, कितना ज़्यादा लोग आहत हैं इस चीज़ से, तो बस हम इसी के खिलाफ में यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उधर जाके तो वहाँ तो सारा सोर्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है, तो ये हम लोग अपनी तरीके से जितना भी छोटा बहुत कुछ कर पा रहे हैं, हम सॉलिडैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। राइट नाउ वी आर अगेंस्ट ऑफ कैब, वी आर अगेंस्ट ऑफ सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जिस तरीके से आर्मी ने आफ्टर कश्मीर, जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट देश में, जिस तरीके से सिक्किम में, वहाँ पर हर जगह पर, जिस तरीके से असम में आज सीएबी को लागू कर दिया गया है, कल ही राज्यसभा में बिल को पास कर दिया गया है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ है, हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरीके से सीएबी, मोदी सरकार कम्युनल है, उस कम्युनल बिल के खिलाफ हम लोग, जिस तरीके से वहाँ पर आर्मी लोग आम लोगों को रिप्रेस कर रही है उसके खिलाफ है हम लोग, और हम लोग जब तक इसके डिमांड को, जब तक सीएबी को रोल बैक नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन जारी करेंगे। कहने की तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं और ह्यूमैनिटीज़ के हो ना हो हम कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा करते हैं, ये जनरेशन हम कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा करते हैं, हम कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, और दे आर अप्लाइंग दैट डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इन आर कंट्री, दिस इज़ आर कंट्री, हमारी जनरेशन है, हमें खड़े होना है, हमें स्टैंड लेना है, और ये भारत को जर्मनी बना रहे हैं, 1920 का जर्मनी, ये चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड दैट्स वाई वी आर हेयर। Situation, I suppose.
from Kashmir to Assam, I mean, things have been bad. It's the country is moving towards dictatorship, and it's us people who has the. We are supposed to stop this atrocity of the government. That's all I can say, and that's why we are here for the protest. ये जो हो रहा है ये काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है. ये असम एकॉर्ड को वायलेट कर चुका है ऑलरेडी, और इंडिजिनस डिमांड जो थे उसको हाईजैक करके एक नया प्रोग्राम मेन स्ट्रीम नेरेटिव क्रिएट किया जा रहा है जो एंटी इंडिजिनस है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनफैक्ट एंटी सेक्युलर और हर तरीके से गलत है ये. तो इसके अलावा इसको बोल ही क्या सकता है, आप देख ही सकते हैं कि असम की क्या हालत हो चुकी है. पूरा गेटोवाइज हो चुका है, पूरा उसको एक तरीके से प्रिजन बना दिया है. पर्सनल डिप्लॉय हो गए हैं लोगों पे, बम्बा मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है लोगों पे, टीयर गैस यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स पे. लोग एक तो किसी का डेथ हो गया है पता चला आज, उससे बदतर क्या हो सकता है. डेमोक्रेटिक सिचुएशन एक पॉलिटी में ये होता है क्या लोगों के साथ. मेरा घर से सिचुएशन तो बहुत ख़राब चल रहा है. अभी असम बर्निंग हो रहा है. अभी मतलब हम लोग इंडिजिनियस पीपल ऑफ असम क्या कर रहे हैं, हम लोग कैम्प नहीं मान रहे हैं बिकॉज ऑफ असम एकॉर्ड. ऑलरेडी 1985 में 15 अगस्त तो हो गया था, लेकिन क्या हुआ अभी क्या हो रहा है, ये बीजेपी गवर्नमेंट, ये अमित शाह जी ने कैप पास किया है. कैप के जरिए क्या कर रहा है, जो 2014 तक जो आया है 31 दिसंबर तक, वो लोगों को वो लोग सिटीजनशिप देगा. अगर ये देगा तो असम का जो कल्चरल है, जो हिस्ट्री है, जो कल्चरल लैंग्वेज है, सब खत्म हो गया. इसीलिए हम लोग फाइटिंग कर रहे हैं. आज असम में बहुत बर्निंग हो रहा है, इसीलिए हम लोग सब निकल गया है. देखते हैं क्या होता है, लेकिन तो बिल पास हो गया. अभी हम लोगों का बहुत कल से बच्चे रो रहे हैं क्या होगा अभी असम, इसीलिए कुछ भी नहीं. इसलिए प्लीज़ गवर्नमेंट हम लोगों को देखिए, असम के लोगों को देखिए, कुछ करिए. इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, यही मेरा वो है. इंटरनेट बंद है आप? हाँ इंटरनेट बंद है, लेकिन फ़ोन तो जा रहा है, बात कर रहा है, लेकिन इंटरनेट मैसेज कुछ सब बंद हो गया है. अभी व्हाट्सएप फेसबुक इसीलिए दिक्कत हो रहा है, थोड़ा मोबाइल से बात हो रहा है वही. पिछली बार मोदी जी ने कहा था कि कश्मीर में भी बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है, और अभी अमित शाह बोल रहे हैं कि असम में भी सब कुछ ठीक है. लेकिन ये ठीक का जो डेफिनेशन है, वहाँ पर लोगों की डाइसेंट की वॉइस को जिस तरीके से दबाया जाता है, जिस तरीके से रिप्रेस किया जाता है, उस ठीक की डेफिनेशन के खिलाफ वहाँ लोग है. अगर लोग सब कुछ ठीक है तो लोग इतना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आज यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने स्टूडेंट सीएबी के खिलाफ क्यों उतरे हैं, क्योंकि वहाँ ठीक नहीं है. सीएबी जिस तरीके से कम्युनल है, जिस तरीके से वहाँ के लोगों को उनकी वॉइस की डाइसेंट को दबाया जा रहा है, तो वो डेफिनेशन जो ठीक की डेफिनेशन है उसके खिलाफ ही हम लोग आज यहाँ पर लोगों को बताने, बीजेपी सरकार को बताने आए हैं कि वो कुछ भी जब तक वहाँ की डाइसेंट की वॉइस को आप नहीं सुनेंगे तब तक कुछ ठीक नहीं है. Indigenous religion. So yeah, it's important for us to our friends are working there. They have been shot down. Our friends haven't eaten anything or something like that. But still they are trying to protest there. Section 4144 has been imposed on all the Brahmaputra Valley. Then curfew has been put down in all the Guwahati city. But still they are trying to coming out. For what? For what reason? For us, for Assam. It's not that we are against Hindu religion or something. It's just we want to protect our indigenous identity. And that's it. राज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, तो आए फिर शौके शाद जिनके जिनके दिल में सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जो कितना बात से कातिल में है, तो आए फिर शौके शाद जिनके जिनके दिल में में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.